हॉस्पिटल के स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी आधार पर स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। कुल पद 18 हैं, जिनमें 7 ओबीसी, 10 सामान्य वर्ग और 1 पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षित है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर तक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पास जमा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद द्वारा खेल एवं युवा मामलों के विभाग के सहयोग से लीग व नॉकआउट आधार के अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 10 अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मैच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान में खेले जाएंगे। इच्छुक सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपनी प्रविष्टि 8 अगस्त तक नेताजी स्टेडियम में दर्ज करवाएं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9474268886 से संपर्क कर अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। और अब अंतर विशेष अभियान तक संबंधित सूचना। MV बाराधाम हैवलॉक की यात्रा पर कल सवेरे 6:20 पर फिरिक गति से प्रस्थान करेगा और उसकी वापसी कल सवेरे 9 बजे हैवलॉक से स्कोपियो के लिए होगी। MV फिलोमिलो नियालन की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 फिरिक गति से प्रस्थान करेगा और उसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर नीलालन से स्कोपियो के लिए होगी। MV फिलोमिलो अपनी अगली यात्रा पर मेल होते हुए हैवलॉक की यात्रा पर कल दिन में 11:30 फिलिप से जल्द से प्रस्थान करेगा और वापसी में ये दरिया नहीं होते हुए हैवलॉक से 4 बजे के लिए कल शाम 3 बजे छुटेगा। MV बाराधाम हैवलॉक की यात्रा पर कल दोपहर 2 बजे फिलिप से जल्द से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4:30 बजे हैवलॉक से 4 बजे के लिए होगी। MV जॉली बॉय नीट हैवलॉक स्टेट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रामक की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर फिलिप से जल्दी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 6:15 तक उन्हीं राशि से होते हुए रंगत से 4 दिन के लिए होगी। सभी जरियानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्शन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। Thankful to DK Podcast by Deep Dappa. Thank you all and thankful to all. Easy Eye Newspaper, India, Islands Mobile Press.